इमरान खान को हटाने के लिए बैन अल-अक़वामी फंडिंग हुई, आलमी साजिश में साथ देने वाले बेनकाब होंगे। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर चीज़ पिंडी वालों पर डालना अच्छी बात नहीं, पिंडी वाले हालात से वाकिफ और पाकिस्तान के साथ हैं। पहले ही कहा था काफली हमारे साथ वापस आएगी। ख्वाहिश है MQM भी हुकूमत का साथ दे। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन के जलसे पर तंज करते हुए कहा कि जलसा फजल रहमान का है, दीगर मेहमान अदाकार हैं। जलसा तो फजल रहमान का था, बाकी तो वैसे ही मेहमान अदाकार थे। और अब तो इलेक्शन का समय है और 31 तारीख से तकरीरें होंगी और फिर 3 तारीख को वोटिंग होगी। सियासत में बाज लोग जीत के भी हार जाते हैं और बाज लोग हार के भी जीत जाते हैं। 3 तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा और इत्तेहादियों के बारे में मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला काफ लीग हमारे साथ आएगी। MQM का फैसला बड़ा फैसला कौन होगा, लेकिन जिन लोगों ने इंटरनेशनल साजिशें की हैं इमरान खान को हटाने के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। पिंडी जो है वो पिंडी है और वो जिम्मेदारान लोग हैं और वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।